नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी और खास खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 11:30 बजे से ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमे कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक पहले 18 जुलाई को बुलाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी तारीख बदलकर 19 जुलाई कर दी गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आज यानी 19 जुलाई 2024 से बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। बता दें कि 19, 20 और 21 जुलाई के दिन परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होगी। टाइमिंग दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक ही रहेगी। वहीं 22 जुलाई को एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। इस दिन टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 12:00 बजे तक की और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक की रहेगी। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच आज एशिया कप 2024 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। बता दें कि ये टूर्नामेंट का पहला मैच होगा। इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा रहा है। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने 8 में से 7 बार इस ट्रॉफी को जीता है। आज CUET UG रीटेस्ट की परीक्षा होगी। हालांकि ये परीक्षा केवल उन कैंडिडेट्स के लिए आयोजित होगी जिन्होंने परीक्षा में खामियों की शिकायत की थी और रीटेस्ट की मांग की थी। नई तारीख घोषित करने से पहले ही NTA ने साफ कर दिया था कि रीटेस्ट का आयोजन केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने पिछले 30 जून के पहले इस मामले में शिकायत की थी। सिद्धपीठ बागेश्वर धाम में गुरुवार से 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। बता दें कि इस महोत्सव में आज यानी 19 जुलाई को गुरु दीक्षा का कार्यक्रम होगा। वहीं 20, 21 और 22 जुलाई को गुरु दर्शन एवं पादुका पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा जारी निर्देश के क्रम में कुशीनगर के सभी शिक्षक 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आज दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक धरना देंगे। बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में तैनात करीब 3,000 शिक्षकों के तबादले होंगे। बता दें कि लगभग 10 श्रेणियों में हो रही 5 दिवसीय तबादला प्रक्रिया आज यानी 19 जुलाई से शुरू की जाएगी। वहीं काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPSSSC की ओर से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई थी। बता दें जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 20 जून को शुरू हो गई थी। वहीं आज एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। आज देश का 56वां बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा ये कार्यक्रम जमशेदपुर के पोस्टल पार्क में मनाया जाएगा। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जमशेदपुर के सचिव रिंटू रजक ने बताया कि स्टेट बैंक के करीब 50 से अधिक लोग सहित UFBO के बैनर तले पोस्टल पार्क में एकत्र होंगे और बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस पर अपने विचार रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून वापस आने वाला है। कुछ दिनों से धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार फिर से स्पीड पकड़ने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1969 में भारत सरकार ने देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज ही के दिन 2006 में लेबनान में इजरायली हमले में 3 भारतीय सहित 55 लोग मारे गए। आज ही के दिन 2018 में हिंदी साहित्यकार गोपाल दास नीरज का निधन हुआ। आज ही के दिन 1870 में फ्रांस ने प्रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1940 में अडोल्फ हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।